आज का दिन तारीख और समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। हमने बिंद के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से MLA था, तब बिंद के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो, बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा तीन तीन राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा बिंद का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा, परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। समय आया, कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा, तो हमने बिंद जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ। ये बिंद का पुनर्निर्माण का जो बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया, ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया उससे लोग मुक्ति पाएं, बिंद पूरी तरह उपेक्षित है, इसलिए हम तय किए कि चुनाव लड़ाएंगे। आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है, 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूं। आप सभी को आज बिंदवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूं। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।